आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। आज का दिन महान शिक्षाविद, समाजसेवी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती का दिन भी है। मैं इस अवसर पर भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को प्रदेश शासन की ओर से, उत्तरवासियों की ओर से नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि सरदार अटल जी ने इस देश के सामने सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में एक नागरिक को समाज के प्रति, अपने देश के प्रति क्या दायित्व हैं और सार्वजनिक जीवन में रहकर के भी व्यक्ति मूल्यों और आदर्शों की राजनीति कर सकता है। यह 6 दशक से के अपने उस सार्वजनिक जीवन के कालखंड में सदैव अटल जी ने इस देश को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उस प्रकार का जीवन जी करके एक नई प्रेरणा दी है। आज पूरा देश सदैव अटल जी के प्रति अपार सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए, उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि अटल जी एक कवि थे, एक लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि भी थे और सरदार अटल जी इस देश की विदेश नीति को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से रखने वाले एक प्रखर राजनेता भी थे, तो देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में अस्थिरता के दौर से उभार करके भारत की राजनीति को स्थिरता, पारदर्शी और जवाबदेह कैसे बनाया जाना चाहिए, इसके प्रतीक पुरुष भी थे। प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने जो मानक सरदार अटल जी ने रखे थे, चाहे वह गरीब कल्याण के हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के हो, या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दिशा, भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए, 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान सरदार अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था। हर व्यक्ति जानता है कि राजनीति में मूल्य और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए परस्पर समन्वय और संवाद की राजनीति को प्राथमिकता का देते हुए अस्थिरता के दौर से गुजर रही भारत की राजनीति को स्थिरता में बदलने का कार्य प्रधानमंत्री के रूप में सरदार अटल जी ने इस देश को दिया था और आज वही स्थिरता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभार रहा है। भाइयों बहनों, इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है। जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं,
आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से बड़ी हुई है जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया था। दुनिया के उन 20 देशों का जो दुनिया के बड़े विकसित देश हैं, जिनमें दुनिया की 75% मार्केट पर जिनका कब्जा है, 60% आबादी निवास करती है, दुनिया की कुल जीडीपी का 85% पर जिनका अधिकार है, उन देशों 20 G20 के उन देशों का नेतृत्व अगले एक वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से इन सभी कार्यक्रमों के आधारशिला विगत 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए अथक परिश्रम और उसकी आधारशिला 1998 से लेकर 2004 के बीच में सरदेव अटल जी ने अपने शासन के माध्यम से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसकी परिणति के रूप में हम भारत को मिल रहे इस गौरव के रूप में हम देख सकते हैं। आज के इस अवसर पर, जब सुशासन दिवस के अवसर पर सरदेव अटल जी का स्मरण करने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस अवसर पर हम सबके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि शासन की व्यवस्था का संवेदनशील होना यह सुशासन का ही लक्षण है। एक गरीब की सुनवाई लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों का पालन करते हुए बिना भेदभाव के उसको शासन की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को मकान मिल जाना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में हर गरीब को फ्री में राशन की सौगात उपलब्ध हो जाना, ये सभी उस सुशासन के लक्षण हैं जिसका सपना सरदेव अटल जी ने अपने सार्वजनिक जीवन के उस कालखंड में देखा था। आज वो साकार रूप में हम सबके सामने है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के विगत 3 वर्ष के इस कालखंड के दौरान हम सब ने इस चीज को महसूस किया है। याद करिए, जो बुजुर्ग लोग होंगे उनसे थोड़ा पूछिए, जब पिछली सदी के प्रारंभ में स्पेनिश फ्लू आया था, बीमारी से गांव के गांव साफ हो गए थे, दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों की मौत हुई थी और बीमारी से जितनी मौतें नहीं हुई उससे कई गुना मौतें भूख से हुई थी, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन का ही परिणाम है, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को नेतृत्व दे रहे थे। पहली बार वहां की बीमारी के 9 महीने के अंदर बीमारी का वैक्सीन आ गया। पहली बार हुआ जब देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और वैक्सीन एक नहीं, दो दो वैक्सीन तो मात्र 9 महीने के अंदर आ गई, और इधर फिर से 2 नई वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाने के लिए भी उपलब्ध करवा दिया गया है। और पहली बार हुआ कि बीमारी के दौरान, महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन की सौगात मिली। यह सरकार की संवेदनशीलता का ही परिणाम है। और भाइयों बहनों, उस संवेदनशीलता के प्रतीक पुरुष अगर कोई एक महामानव था तो महामानव सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी प्रेरणा से ये सभी कार्यक्रम डबल इंजन की सरकार आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अटल जी ने सदैव मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी, और यही कारण था कि एक सर्वमान्य नेता के रूप में दुनिया के अंदर और देश के अंदर उनकी स्वीकार्यता थी। हर व्यक्ति
बड़े सम्मान और बड़ी श्रद्धा के साथ सदैव अटल जी का स्मरण करता रहे, आज भी करता है। उस समय उन्हें सम्मान देता था। जब वैश्विक मंच पर भारत के सामने कोई संकट आता था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उन्हें तत्कालीन सरकारें वही सम्मान देती थी। भारत का नेतृत्व करने के लिए दुनिया में भेजते थे, या देश के संकट के समय पक्ष और विपक्ष के भेदभाव को समाप्त करते हुए वे सरकार के साथ खड़े होकर के हमेशा इस बात को कहते थे कि हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन जब देश का हित सामने आएगा तो हमें दल के हित से महत्वपूर्ण देश का हित हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। ये सदैव अटल जी ने कहा था। याद करिए 1971 के युद्ध में अटल जी ने उस समय विपक्षी दल के प्रमुख नेता के रूप में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों को देश के हित में समर्थन किया था। लेकिन वही कांग्रेस की सरकार जब निरंकुशता ढाने लग गई 1977 में, लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ के विलय करने में भी कोई संकोच नहीं किया था। यानी देश हित में दल हित को दरकिनार करते हुए उन्होंने देश के हित में हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी, और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और यह कार्य सदैव अटल जी ने सदैव इसको प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ाने का कार्य किया। यही कारण है कि हर दल का व्यक्ति बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ सदैव अटल जी का न केवल सम्मान देता था बल्कि उनका सदैव स्मरण करता है। आज के इस अवसर पर, जब सुशासन दिवस के अवसर पर हम सब पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, पूरे लखनऊ भर के जनप्रतिनिधिगण आज इस सदन में यहां एकत्र हुए हैं, भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आप सभी अपने अपने स्तर पर एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई ग्राम पंचायत का, कोई क्षेत्र पंचायत का, कोई जिला पंचायत का, कोई विधानसभा का, कोई संसदीय क्षेत्र में, कोई महानगर स्तर पर, कोई जनपद स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हुए लोगों को नेतृत्व देता है। नेतृत्व देते समय हम सबको इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि हमारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो। शासन की कार्य योजना व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनती है, जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के दबे कुचले, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के उत्थान के लिए योजनाएं होती हैं, और बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक प्राप्त हो, यह हमारी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। और उन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने सदैव अटल जी की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आप इस लोक भवन में आए हैं, यह मुख्यमंत्री कार्यालय भी है। आपने देखा होगा सदैव अटल जी की 25 फुट से ऊंची प्रतिमा को सामने रख करके एक आदर्श के रूप में हमने इसे सामने रखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मेडिकल की अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, उन्हीं की कर्म भूमि पर इसी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण इसी लखनऊ में हो रहा है, जहां पर सभी मेडिकल कॉलेजेस से एफिलिएटेड होंगे और वहां से मेडिकल की उत्तम शिक्षा देने का कार्य पूरे प्रदेश भर में होगा। यह कार्यक्रम भी प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो चुका है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, जो दबे कुचले वंचित और निराश्रित बालक और बालिकाएं हैं, उनके लिए भी प्रदेश के पहले चरण में 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण का कार्य हमारा युद्ध स्तर पर चल रहा है, और नए सत्र में इन सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में अत्याधुनिक शिक्षा के लिए हम लोग रजिस्टर्ड श्रमिकों, कोविड कालखंड के दौरान निराश्रित हुए बच्चों और अन्य निराश्रित बच्चों के लिए
पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था की व्यवस्था, वहां हम सारी व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं, जिसका आपने एक लघु फिल्म यहां पर अभी कुछ देर पहले देखा है। सदैव अटल जी का व्यक्तित्व के अनुरूप उन विद्यालयों का निर्माण भी हो और उनकी कार्य पद्धति उसी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ करके उन बच्चों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके, इन कार्यक्रमों को लेकर के सरकार ने ये कदम आगे बढ़ाए हैं। सदैव अटल जी की पैतृक भूमि बटेश्वर में उसके सर्वांगीण विकास की दृष्टि सरकार ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में अटल पीठ का निर्माण का कार्य, जो वहां पर अटल जी के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक शोध पीठ के रूप में कार्य, यह कार्य भी यहां पर प्रारंभ हुआ है। और मुझे विश्वास है कि सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता, इन सभी का समावेश करते हुए शुचिता को सार्वजनिक जीवन में ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर शासन प्रशासन और हमारे हर स्तर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ा करके सदैव अटल जी के उस प्रेरणादायी व्यक्तित्व से हम लोग प्रदेश की आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के कार्य में सहभागी बन पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज सुशासन दिवस के अवसर पर एक बार फिर से सदैव अटल जी की पावन जयंती पर देश और समाज के लिए उनके योगदान के लिए उनका स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी का समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान देकर के देश के अंदर सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम सब मिलकर देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री का मन की बात, यहीं इसी सभागार में।